हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हुंडई की सेंट्रो जिंग है, 2010 का मॉडल है, पेट्रोल कार है, बहुत जूनी गाड़ी है। तो बट इसका जब मैं इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर मारा, लीक टेस्ट किया, तो इसका कॉम्प्रेसर लीकेज हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बाहर दिखा देता हूँ लीकेज कॉम्प्रेसर कहाँ से क्या हुआ है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। जैसा कि मैंने इसको सबसे पहले चेक किया नाइट्रोजन का प्रेशर से, तो इसमें सबसे पहले मशीन लगाया तो गैस था ही नहीं। जब गैस नहीं था तो मैं नाइट्रोजन इंसर्ट किया इसमें। नाइट्रोजन इंसर्ट करने के बाद देखा कॉम्प्रेसर लीक हो चुका है, तो इसी वजह से मैं इसका ओरिंग चेंज करने वाला हूँ कॉम्प्रेसर का। तो चलो सबसे पहले बाहर आपको दिखा देता हूँ कि कॉम्प्रेसर कौन सा ओरिंग लीक हुआ है। तो चलो बाहर चलते हैं दिखाने के लिए आपको। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने बम्पर खोल चुका हूं और लॉ वाला एडेप्टर लगा हुआ है जैसा कि देख पा रहे हैं, और नाइट्रोजन का प्रेशर मारा हूं मैं, 300 का प्रेशर मारा हूं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये रही नाइट्रोजन का बाटला, और मैं आपको कंप्रेसर दिखा देता हूं, कंप्रेसर लीक कहां से हुआ है वो चीज़ दिखा देता हूं। मैं इसमें ज़रा फेस मार रहा हूं, पानी यानी सर्फ का पानी मार रहा हूं, साबुन पानी मार रहा हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहां से क्लियरिटी तो नहीं दिख रही है, अब आप देख लो, जैसा कि देख पा रहे हैं ओरिंग लीक हो गया इसका। आगे वाला ऊपर वाला टॉप का ओरिंग लीक हुआ है, और पीछे वाला भी दिखा देता हूँ। जरा मैं इसमें पानी मार लेता हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं बुड़बुड़ी आ रहे हैं बहुत माइनर में, क्लियरिटी नहीं दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि तो इसमें RD बोटल दिया है सामने, लिक्विड रिसीवर RD बोटल, फिल्टर जो है कंडेंसर में फिल्टर नहीं दिया हुआ रहता है। तो चलो फिर मैं इसको खोलता हूँ, खोल के बाहर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं RD बोतल में खोल दिया हूँ, दोनों इसका पाइप खोल दिया हूँ, और यहाँ से रहती है इसका अंदर से, यहाँ से इसका सेटिंग। तो इसको लूज़ करूँगा बेल्ट निकाल के, फिर कंप्रेसर बाहर लेकर के मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली कंप्रेसर खुल चुका है, ये रही कंप्रेसर। कंप्रेसर देख लीजिए 2010 का मॉडल का है, कैसा दिख रहा है। इससे पहले और भी मैं कंप्रेसर का काम किया हूँ, क्योंकि ओरिंग चेंज किया हूँ, वहाँ जाके देख सकते हैं आप मेरे वीडियो को, इसके इसमें दे दूँगा मैं वो वीडियो लिंक में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलो फिर मैं इसको खोलता हूँ, खोलने के बाद फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं क्लच पुली मैग्नेट खोल चुका हूँ, पार्ट कैसा दिख रहा है वो भी देख लीजिए आप। ये लॉक खोलने का रहता है पहले, ये वाली लॉक, फिर ये क्लच निकलेगा, ये वाली लॉक खोलेंगे, फिर ये मैग्नेट कॉइल निकलेगा। तो चलो ये 6 नंबर LNG दिया है, 5 तो खोलता हूँ, तो मैं खोल के आगे दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैं ऊपर का खोल दिया हूँ पहले, ये LNG खोल के, और ये वाला ओरिंग रहता है इसमें। तो चलो फिर मैं नया ओरिंग इसमें रिप्लेस करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ, कंप्रेसर फुल कंडीशन में है देख पा रहे हैं। तो चलो फिर मैं इसको नया ओरिंग रिप्लेस करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैं फाइनली कंप्रेसर फिट कर दिया हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से फिट कर दिया हूँ, LNG वगैरह सब लगा दिया हूँ। तो चलो फिर मैं इसका ये भी फिटिंग कर देता हूँ, ऊपर का क्लच पुली कॉइल सेट फिटिंग करके, फाइनली ये सब फिटिंग करके फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो चलो फिर जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली कंप्रेसर फिट हो चुका है, तो चलो फिर मैं इसमें गाड़ी में फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कंप्रेसर फिट हो चुकी है अपना, देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से RD बोतल वगैरह सब फिट कर दिया हूँ, और लॉ वाला लगा हुआ है मेरा, नाइट्रोजन का प्रेशर मार के रखा हूँ जैसा कि देख पा रहे हैं, 300 का प्रेशर है। और मैं आपको लीकेज दिखा देता हूँ, लीकेज है या ओरिंग डाल के अपना हो गया, जैसा कि देख पा रहे हैं लीकेज नहीं बता रहा है अभी, कहीं से लीकेज नहीं है। तो 300 का प्रेशर मारा हूँ मैं, तो प्रेशर जब तक रहने देता हूँ, जब तक मैं अपना बाहर का बम्पर वगैरह सब फिट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं फिर आपको प्रेशर दिखा दूंगा होल्ड है या नहीं है। चलो फिर आगे दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे बम्पर फिट हो गया, लो वाला और हाई वाला लगा के रखा हूँ, प्रेशर उतना ही होल्ड है, 300 से थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन बट मैंने ये लाइन में जो प्रेशर गया ना, इस वजह से थोड़ा सा कम हो गया। तो चलो फिर मैं इसको छोड़ देता हूँ, प्रेशर अपना होल्ड था। तो जैसा कि देख पा रहे प्रेशर ड्रॉप हो रहे हैं, चलो फिर मैं इसको वैक्यूम में लगा के आगे आपको दिखाता हूँ। तो चलो फिर इसको मैं वैक्यूम में लगा देता हूँ, 10 मिनट के लिए वैक्यूम लगा देता हूँ इसको।
किलोमीटर। तो 10 मिनट के लिए वेटिंग लग चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलो फिर अपन 10 मिनट बाद मिलते हैं फिर गैस चार्ज। तो चलो फिर मैं इसमें गैस चार्जिंग को ले लेता हूँ। वेटिंग वगैरह कम्प्लीट हो गया, गैस चार्जिंग को ले लेता हूँ। 4:30 गैस मार्क कर दूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे फाइनली गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ। और जैसा कि देख पा रहे एसी का बटन ऑन है और कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 9.8 पे 9.9 ट्रिप मार चुका है। अभी कंप्रेसर आ चुका है, कूलिंग प्रॉपर हो रहा है। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया बाहर कंप्रेसर इसका ओरिंग लीक हो गया था, यानी ओरिंग खराब हो चुका था, इसकी वजह से लीक मार रहा था। तो कंप्रेसर उसमें ओरिंग रिप्लेस करके मैंने आपको दिखाया कैसे कैसे किया जाता है, कैसे कैसे क्या होता है। और ये सब चीज़ें मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। जब चीज़ें आपको समझ में आए ना क्या होता है, कौन सा पार्ट गया हुआ रहता है, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगे ना, आएगा ना, तो ताकि आप कहीं भी काम करवाने जाए ना तो आप चीज़ों को समझ सके, बस और दूसरा कोई रीज़न नहीं है। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए बढ़ते हैं अपन। आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।